हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गाड़ी है वो है स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा की तरफ से आती है। ये जो पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो है Z4, 4x4 वेरिएंट है, मैनुअल में है ये। पिछली वीडियो में मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से बताया था कि इसमें जितनी भी मैंने एसेसरीज इंस्टॉल करी है उसके बारे में मैंने आपको उसकी डिटेल मैंने प्रॉपर बतानी थी आपको, तो उसी लिए हम यहाँ पे आए हैं शूट की लोकेशन पे। यहाँ पे जो रोड है वो बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी ग्रिल की। ये जो फ्रंट एलिमेंट है, फ्रंट ग्रिल एलिमेंट बोलते हैं इसको, भी मैंने क्रोम डलवाया है क्योंकि इसमें इस मॉडल में नहीं आता है। मैं साथ ही साथ नीचे प्राइस भी मैं बताते रहूंगा, मैं आपको प्राइस टेक्स्ट में ही बताऊंगा। उसके बाद आते हैं फ्रंट अपर ग्रिल के बारे में। जो ये वाली लाइन है ये भी क्रोम की मैंने एसेसरी में ही डलवाई है। तो अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, जो कि इसमें जो टायर जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है 245/65R17, मतलब 17 इंच का ये व्हील है। इसमें नॉर्मल जो है रिम आता है को रिप्लेस करके मैंने ये अलॉय डलवाया है, तो सबसे एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन यही थी गाड़ी में। तो अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, इसमें मैंने क्या चेंजेस किए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रोम लाइन की। फोर डोर में आती है, इसमें जो है चार पार्ट्स आएंगे आपके, एक ये और दो उस साइड के। और इसके साथ ही ये जो एलिमेंट है ये आप देख सकते हो सी टाइप का, तो ये भी मैंने अलग डलवाया है। ये जो पार्ट है ये पेयर आता है इसका, जो कि एक इस साइड लगता है एक उस साइड लगता है, तो ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसके रेन वाइजर की, जो कि अगेन महिंद्रा की तरफ से ही। इसमें सारी जितनी भी एसेसरीज मैंने इंस्टॉल करी है वो महिंद्रा की जेन्युइन एसेसरी है, जो कि मैंने शोरूम से ही इंस्टॉल करी है, तो ये भी मैंने महिंद्रा की तरफ से ही लिया है। अब बात करते हैं इसके मड फ्लैप्स की, ये भी मैंने कंपनी से ही डलवाए हैं। ज़्यादा नहीं, मिनिमल कॉस्ट है, 1000 रुपीज़ के आई थिंक आसपास आ जाते हैं मड फ्लैप। तो साइड प्रोफाइल की हमने बात कर दी है कि कौन कौन सी एसेसरीज मैंने साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी की कॉल करी है। अब बात करते हैं रियर की। तो रियर में आपको सबसे पहले को बताना चाहूंगा, इसमें ये वाइपर्स एंड ऑल ये सब कुछ महिंद्रा की तरफ से ही आता है, जो प्री इंस्टॉल्ड रहता है। जो ये वाला पार्ट है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कैमरा यहाँ पे लगता है ना, वो जो ओरिजिनल जो इसकी प्लेट होती है उसके उसमें नहीं लगता है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेस होता है कैमरा लगाने के लिए, तो ये कैमरा भी मैंने महिंद्रा से इंस्टॉल करा है। तो आप 4x4 की बैजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, Z4 वेरिएंट में ये 4x4 की बैजिंग मिलेगी, और इसके अपर वेरिएंट में जो है आपको 4Xplore करके यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि 4x4 गाड़ियाँ होंगी। तो एक्सटीरियर के बारे में तो हमने बात कर ली है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्कफ प्लेट मैंने इसमें ऐड करी है, इल्यूमिनेटेड है, जिसमें लाइट जलती है यहाँ पे ना, ये वाली स्कॉर्पियो एन करके, ये इसका प्लेट है, ये इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये अलग से इंस्टॉल करा है। साथ ही साथ मैं आपको मैट्स दिखाना चाहूँगा। मैट्स भी इसकी जो कंपनी से ही मैंने ली है, ये 7D मैट्स है, तो ये यहाँ से अगर आपको इसको डिटैच कर सकते हैं ताकि आप इसको ईजिली साफ़ कर सकें। अभी सीट कवर मैंने अभी नहीं डलवाए हैं, तो सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, जो कि प्रीवियस मॉडल जैसे मैंने आपको बताया। अभी ये वाली सीट्स का जो फिटिंग है थोड़ा बहुत बकेट फिट है, जैसे आपकी बॉडी को हग करता है ये पीछे से, तो आपको कंफर्टेबली इसमें बैठ के बहुत आरामदायक जो है सफ़र का आनंद मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जितनी भी एसेसरीज मैंने इंस्टॉल कर दी है वो मैंने आपको प्रॉपरली आपको बता ही दिया है, आपको रेट्स भी बता दिए, तो आप अपने इच्छा के अनुसार, आप अपनी चॉइस से आप इन एसेसरीज़ को बाहर से भी डलवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको महिंद्रा से ही डलवानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एसेसरी आपने कहाँ से डलवानी है। तो अब इसका मैं जो है ड्राइव रिव्यू मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो चलते हैं अब ड्राइव। तो अब बात करते हैं इसकी ड्राइवेबिलिटी के बारे में। स्कॉर्पियो एन 4x4 जो इसका Z4 वेरिएंट है वो मैं चला रहा हूँ। इसकी ड्राइव जो प्रीवियस मैंने जो गाड़ी चलाई है 2012 मॉडल स्कॉर्पियो मैंने चलाई है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क लगा मुझे, पहला गियर जो है इसका वो मतलब इसकी लॉन्च जो है बहुत अच्छी होती है इस गाड़ी की। नो डाउट ये हाईवेज के लिए तो परफेक्ट गाड़ी बोल सकते हैं आप इसको, ड्राइवेबिलिटी के मामले में, को एक्सलेशन के मामले में। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो, जैसे मान लो शिमला डिस्ट्रिक्ट से हुए हैं, तो पहाड़ी रीजन में क्या होता है कि कभी आपको पता ही है पहाड़ में बहुत ज़्यादा ढलान वाले जो तीखी चढ़ाई होती है उस पर भी जाम लगते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने क्या एक चीज़ फेस की है इसमें, कि जब मैं इस गाड़ी को मतलब थोड़ा थोड़ा खिसकाते हैं, जब हम गाड़ी को एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा जैसे खिसकाते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम इसको
बहुत कम स्पीड में इसको हाफ क्लच पे अगर इसको उठाना चाहते हैं तो क्या होता है कि ये घुट के चलती है, कुछ चाहिए होता है थोड़ा ज्यादा लंबा रन। अगर मैं उसको वैसे ही चलाता हूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आपको क्लच प्लेट से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका जो फर्स्ट गियर है वो बहुत ज्यादा मतलब एकदम से ही उठ जाता है, जो कि उसमें नहीं था ये चीज। ऐसे पहाड़ी इलाकों में आपको आमतौर पे गाड़ियों में कम ही एवरेज मिलेगी, बट इस गाड़ी को लेके क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो 4100 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को लगभग चला चुका हूँ और इस पे मेरे को एवरेज मिल रही है 12 से 13 की एवरेज। बाकी आपके चलाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ड्राइव करते हो या फिर हार्ड एक्सलेशन करते हो, तो आपको एवरेज इससे कम भी हो सकती है। तो आई होप कि ये गाड़ी भी इससे ज़्यादा एवरेज देगी, क्योंकि मैंने इसको प्लेन्स में भी चलाया है बट वहाँ पे मेरे को 14-15 की एवरेज इसने दी है। तो ये आगे भी अच्छी एवरेज देगी जैसे जैसे गाड़ी रनिंग ज़्यादा होगी, जैसे मान लो 10,000-15,000 किलोमीटर के बाद मेरे को हो सकता है कि अच्छी एवरेज मिले। तो ये था आज गाड़ी का रिव्यू जो कि थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है ये वीडियो, अगर आपके फैमिली में कोई इस गाड़ी को लेना चाहते हैं या फिर आपके रिश्तेदारी में आपके लेना चाहते हैं, तो आप उनको ये सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको विंटर्स में इस गाड़ी का स्नो ड्राइव देखनी है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को एक्टिव कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए, और मैं इसके ऑफ रोडिंग के भी शॉर्ट्स आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। सो टिल देन, बाय बाय।